हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम और चने की दाल की सब्ज़ी, इस तुरई और चने की दाल की सब्ज़ी बना रहे। उसके लिए हमको लगेंगी, मैंने आधा किलो तुरई ली हूँ और 50 ग्राम चने की दाल। उसको मैंने एक वन आवर से पहले सोख करके रख दियो, भिगा कर रख दियो पानी में। देखो मेरी भिगी हुई दाल है ये। और अभी मैंने इसके लिए 5-6 हरी मिर्ची ली हूँ और एक पूरा गार्लिक ली हूँ। उसको मैं ग्राइंड करके लूँगी। मुझे 1/2 टीस्पून ज़ीरा चाहिए, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, 10 से 12 कड़ी पत्ते के पत्ते चाहिए, हींग चाहिए 1/2 टीस्पून, 1 बिग ऑनियन चाहिए और 2 चॉप्ड टमेटोज चाहिए और राई का तेल 4 टेबल स्पून में डालूँगी। देखो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, अक्खा ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। ज़रा अच्छे से उसको हम ब्राउन होने देंगे, ब्लैक नहीं ब्राउन। और उसके अंदर हम ऑनियन डालेंगे। बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, आप मेरे तरीके से बनाना, बहुत अच्छी बनती है। हमने ऑनियन डाल दिया, अब इसको थोड़ा सौते करेंगे। ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हमको ट्रांसपेरेंट होने देंगे। ठीक है, ये देखो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और हम अभी मैंने फ्लेम हाई रखी हूँ, लो नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे इसको सौते करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। ये देखो हमारी ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अभी हम इसकी जिन गार्लिक और चिल्ली बताई थी आपको, उसको मैंने ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब उसका मसाला डाल रही हूँ, मैंने उसको ग्राइंड कर लिया चिल्ली को और गार्लिक को। अब उसको मैं अच्छे से भूनूंगी डालकर। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है, आप इसको रोटी के साथ खाइए, बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। आप मेरे तरीके से बनाइए सब्ज़ी को। अभी हम 2 टेबलस्पून जितना वाटर डाल रहे हैं इसके अंदर, अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमको अच्छे से भुनना है, भुनो पाए अच्छे करना है। अगर हम मसाला भुनेंगे नहीं तो खाना बराबर नहीं बनेगा। ना हमारा मसाला जलना चाहिए, ना कच्चा रहना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे हींग, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा मैंने सॉल्ट जिंजर सॉरी गार्लिक और ग्रीन चिली ग्राइंड करी थी, उसमें भी सॉल्ट डाली थी, क्योंकि हमको जब गार्लिक चिल्ली ग्राइंड करते हैं तो, या कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ कड़वी हो जाती है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमेटोस। देखो मैंने टमेटोस डाल दिए और मैं इसको सौते कर रही हूँ। अच्छा, हमको स्टर करना है, थोड़े इसको सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे। थोड़े सॉफ्ट होने देंगे उसके बाद, ये देखो टमेटोस सॉफ्ट हो चुके, अब हम चने की दाल डालेंगे। और इसको हम सब मैं कुकर में बना रही हूँ, लेकिन हमने इसको सोख करके रखे, और जब हम तुरई डालेंगे, तुरई की सब्ज़ी डालेंगे, तो हम इसको सिर्फ 1 सीटी बजाएंगे। 1 सीटी के बाद हम इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा गल जाएगी। ये चने की दाल भी सोख है तो ये भी गल जाएंगी। ये देखो हमने इसको अच्छे से, देखो मैंने चने की दाल डालकर भी अच्छे से स्टर कर दी, भून ली। हमारा भुनोफा ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसके अंदर तुरई डालेंगे और वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि तुरई में बहुत वाटर होता है, ये सब्ज़ी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हमको पानी तो ज़रा भी नहीं डालना है। सिर्फ हमको पहले धो छीन लेना है तुरई को, फिर उसको धोना है और उसके बाद उसको हमको ऐसा मिक्स करके, क्योंकि नीचे चने की दाल है तो सब मिक्स करके हमको उसको 1 सीटी बजाना है, और 1 ही 1 सीटी बजाना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर सब्ज़ी बहुत गल जाएंगी। और लास्ट में जब ये इसको हम भुनेंगे तो हम इसके अंदर चॉप कोरिएंडर डालेंगे। ओके, अभी हमने ज़रा भी उसमें पानी नहीं डाले, लेकिन मैं लो फ्लेम में कुकर बंद कर रही हूँ और एकदम लो फ्लेम रखूँगी थोड़ी देर, 5 to 7 मिनट्स, ताकि सब्ज़ी का पानी छूटे। और पानी छूटेंगे उसके बाद हम गैस की फ्लेम को फुल करके फिर 1 सीटी बजा लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को हिट कीजिए इंशाल्लाह, और आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेंगी। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी थी, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। मैंने कुकर खोल चुकी हूँ और अभी ये देखो चने की दाल आपको अच्छी दिख रही है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सीटी बजा है। अभी जो पानी दिख रहा है हम उसको ड्राई कर देंगे, हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। और लास्ट में हम इसमें कोरिएंडर डाल देंगे, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये। ये देखो हमारी सब्जी हो गई रेडी, मैंने इसमें चॉप कोरिएंडर डाल दूँ। ये देखो अभी हम इसको थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करी अभी चने की दाल की वजह से, ये फिर ड्राई हो जाएंगी। थोड़ा सी मैंने इसको ये रखी हो सेमी ग्रेवी, ज़रा सा दो टू थ्री टेबल स्पून इसमें पानी के बस। देखो इसको हमने निकाल दिए, कितनी अच्छी लग रही है हमारी। ज़रा भी चने की दाल देखो ये नहीं हो चुकी, अच्छी अच्छी है चने की दाल, ऐसी होनी चाहिए सब्जी। आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे बताना। अल्लाह।